तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है प्रजापति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको पांच ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे मातृभूमि की सेवा करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो पुलिस में हैं, जो हमारी सेवा करते हैं, हमारे मातृभूमि की सेवा करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनके बॉडी के आगे आपको बहुत ही बड़े बड़े बॉडी बिल्डर फीके दिखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं पांच ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में जो हमारे मातृभूमि की सेवा करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार इनके लिए वीडियो को एक लाइक करना। लाइक तो करना यार, लाइक तो बनता है। प्लीज वीडियो को लाइक करना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इनके बारे में जाने। कोई नहीं जानता यार इनके बारे में, आप भी नहीं जानते होंगे, आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो प्लीज यार शेयर जरूर करना और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करना इनके लिए, ठीक है? तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5, रूबल धनकर। दोस्तों, यह एक ऐसे पुलिस ऑफिसर है जिन्हें देखकर अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। ये अक्सर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर में चर्चे का विषय बने रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रूबल दिल्ली पुलिस की शान है। यह अपने बॉडी से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को भी पीछे कर देते हैं। यह अपने पुलिस ऑफिसर की नौकरी बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मौजूद हैं। तो आपको रूबल धनकर की बॉडी कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नंबर 4, तेजिंदर सिंह। दोस्तों, देहरादून की मिट्टी में जन्मा यह बांका सिख नौजवान है जो बचपन से ही जबरदस्त बॉडी बिल्डिंग बनाना चाहते थे। इनका सपना है कि लोग इनकी बॉडी से इन्हें जाने और इनका यह सपना सच भी हुआ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2006 में तेजिंदर उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हुए थे। सिर्फ एक साल के अंदर ही उन्होंने नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया। इतना ही नहीं, ठीक इसके 2 साल बाद इन्होंने मिस्टर हरकुलिस का तगमा हासिल कर लिया। नंबर 3, किशोर डांगे। दोस्तों, किशोर डांगे महाराष्ट्र पुलिस की शान है। इनके ऊपर पुलिस की वर्दी इतनी अच्छी लगती है कि जब भी ये पुलिस की वर्दी पहनते हैं तो देश का गौरव मुस्कुराता है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र को इनके ऊपर नाज है। किशोर डांगे मिस्टर मुंबई, मिस्टर मराठा होने के साथ 95 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में यह गोल्ड मेडल भी हासिल किए थे। नंबर 2, सचिन अतुलकर। दोस्तों, भोपाल के रहने वाले IPS सचिन अतुलकर फिटनेस के मामले में पुलिस विभाग के अफसर कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक हैं। रूबल धनकर और सचिन अतुलकर दोनों ही पुलिस की सेवा दे रहे हैं। 2007 में सचिन मात्र 22 साल की उम्र में IPS बन गए। अपनी स्मार्टनेस और फिट बॉडी की वजह से यह सिर्फ भोपाल के ही नहीं बल्कि पूरे देश के यंग जनरेशन की आइडियल बन गए। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक इन्होंने बॉडी बिल्डिंग का कोई खिताब नहीं जीता है, लेकिन यह क्रिकेट और घोड़सवारी जैसे खेलों के लिए बहुत सारा गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। नंबर 1, अमित छेत्री। दोस्तों, यह उत्तराखंड के पुलिस में ASI के पद पर काम कर रहे हैं। इनकी फिटनेस का हर कोई दीवाना हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि यह 4 बार मिस्टर इंडिया भी बन चुके हैं। साथ ही अमेरिका में हुए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। और 2013 में पुणे में हुए शो में चैंपियन ऑफ चैंपियन का अवार्ड भी इन्होंने हासिल किया। इनको क्षेत्रीय लोग गोरखा बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी पुकारते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे एक चीज कमेंट करके बताना, इन पांच बॉडी बिल्डर में जो हमारे मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, इन पांच बॉडी बिल्डर में आपको किसकी बॉडी नंबर 1 लगी, नंबर 2 लगी, नंबर 3 लगी, नंबर 4 लगी, नंबर 5 लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। प्लीज यार कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे मातृभूमि की सेवा भी कर रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग में नंबर 1 है। और दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आप इस वीडियो को शेयर करना ताकि और लोग भी इनके बारे में जान पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।